आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ होने वाले हैं ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल खास तौर पर टाइम पास के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी अगर आप खाली हो और आपको एक बेहतरीन टाइम पास चाहिए हो और इनमें से कोई गैजेट अगर आपके पास होता है तो आपका समय अच्छा खासा कट जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस अजीबो गरीब कैटेगरी की जो कि टाइम पास की रहती है, जहाँ पर देखते हैं कि कौन रहता है इस सीरीज के 9वें नंबर पर। नंबर 9, फ्लाइनोवा फ्लाइंग स्पिनर। बचपन में हम सभी लोग कैचम कैच खेला करते थे जिसपे कि अच्छा खासा हमारा टाइम पास हो जाता था, लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समय के साथ अपडेट करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा फ्लाइंग स्पिनर होता है जिसके अंदर छोटा सा पंखा लगा होता है जिसकी मदद से ये उड़ सकता है, और जब आप इसे हवा में थ्रो करेंगे तो ये हवा में काफी देर तक बहुत एकदम स्लो मोशन में आपके सामने की तरफ जाएगा। साथ ही ये पलट कर वापस भी आता है जिससे कि कहीं ना कहीं आपको इसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इससे आप टीम बनाकर काफी सारे मजे कर सकते हैं क्योंकि ये कैचम कैच में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। वही दोस्तों नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल टाइम पास के लिए तो कर ही सकते हैं। तो कैसा लगा है आपको ये फर्जी का गैजेट, इसके बारे में आप कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा। नंबर 8, फील फ्लक्स। बचपन में हम सभी लोग मैग्नेट के साथ खेलना पसंद करते थे। एक तरीके का ये उस जमाने में यूनिवर्सल टाइम पास होता था, यानी कि जिसके पास मैग्नेट है वो कहीं यहाँ चपका रहा है वहाँ चपका रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो अगर आप इसे थोड़ा सा एकदम नया रूप देना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का टाइम पास ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसे एडवांस टाइम पास कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्यूब दे रखी होती है जो कि मेटालिक ट्यूब होती है, और इसमें आपको एक छोटी सी मैग्नेट बॉल देखने को मिलती है, और जब आप इसे मैग्नेट बॉल को इसके अंदर डालते हैं तो आपको मैग्नेटिज्म काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फील होगा। ये एक तरीके से मैग्नेटिज्म को फील करने का बहुत अच्छा साधन भी है जिससे कि आप अच्छा खासा टाइम पास कर पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जिससे कि वो मैग्नेटिज्म को तो फील कर ही सकते हैं, साथ ही होता तो ये एक तरीके का साइंटिफिक गैजेट है। नंबर 7, DJI Mini 2। बात अगर टाइम पास गैजेट की चल रही है और ऐसे में हम लोग फोटोग्राफी को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक्सेस टाइम है और आप उसका इस्तेमाल फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा एरियल ड्रोन होता है जो कि आपको बेहतरीन फुटेज अवेलेबल करा सकता है। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से फोल्डेबल ड्रोन होता है जिसे कि आप फोल्ड कराकर कहीं भी आसानी से ले जा पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आप इसके पंखों को खोलकर कभी भी हवा में उड़ा सकते हैं। वहीं दोस्तों इसका फ्लाइट टाइम लगभग 31 मिनट का होता है और इसका ट्रांसमिशन रेंज तो काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर आप इसे 10 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आप इससे 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी होता है जिससे कि आपकी वीडियो फुटेज एकदम स्टेबलाइज देखने को मिलेगी। तो कमाल का रहता है इस तरीके का ड्रोन जो कि खास तौर पर तैयार किया गया है फोटोग्राफी के लिए, और खाली समय में इस तरीके का गैजेट एक बेहतरीन टाइम पास तो ये होगा ही आपके लिए। नंबर 6, स्क्वायर ऑफ स्वैप एंड नियो AI चेस। दोस्तों चेस को एक बेहतरीन टाइम स्पेंड करने का मीडियम माना जाता रहा है, इसकी वजह से आपका अच्छा खासा टाइम पास तो होता ही है, साथ ही ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी करवाता है। यानी चेस हमेशा से उन लोगों को खेलना पसंद है जो कि काफी दिमागदार होते हैं। तो अगर आप भी चेस खेलना पसंद करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस चेस बोर्ड को, जो कि किसी नॉर्मल चेस बोर्ड की तो तरह होता है, लेकिन इसके साथ खेलना थोड़ा सा एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन ऐप से भी कनेक्ट करा सकते हैं और ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं किसी के साथ भी। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति जिसके पास इसका ऐप में लॉगिन है या फिर जिसके पास ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें कि वो खेल रहा हो, तो उसके साथ आप अपना पेयर बनाकर इस गेम को खेल सकते हैं। इसमें सारे मूवमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप अपने पैतरे जैसे आगे बढ़ाते हैं सामने की तरफ से आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि व्यक्ति सामने ना होने के बावजूद भी आपको एकदम रियलिस्टिक चेस खेलने जैसी फीलिंग आएगी। तो बहुत ही बेहतरीन रहता है इस तरीके का गेम जो कि चेस खेलने के पुराने तरीके को आज भी बरकरार रखे है। नंबर 5, DJI पॉकेट 2। दोस्तों बहुत से लोग टाइम पास के लिए व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, और अगर आप भी व्लॉगिंग के लिए एक कैमरे की तलाश में हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं DJI की तरफ से आने वाले इस पॉकेट 2 को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा कैमरा होता है जिसे कि आप अपने पॉकेट में डालकर आसानी से चल सकते हैं, यानी कि ये आपके मोबाइल फोन से भी कहीं ज्यादा छोटा होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि इसकी क्वालिटी को और भी बेहतरीन बनाता है। इससे आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 60 FPS पर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 2.7K और फुल HD प्लस की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के भी ऑप्शंस दे रखे होंगे। वही दोस्तों यहाँ पर आपको जो है स्टीरियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस दे रखे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टी डायरेक्शनल ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि इसके चारों तरफ छोटे छोटे माइक्स लगे होते हैं और इसका कैमरा जिस तरफ रोटेट करेगा उसी तरीके के माइक से आपकी आवाज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी ऑडियो और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। साथ ही 3-axis गिम्बल स्टेबलाइजेशन होने की वजह से इसकी फुटेज काफी ज्यादा स्टेबल रहती है, जिससे कि व्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। तो इस तरीके का छोटा सा कैमरा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तो
होता ही है ब्लॉगिंग के लिए, यहाँ पर आपको प्रीव्यू के लिए एक छोटी सी डिस्प्ले भी दे रखी होती है जिससे कि आप अपने कंटेंट को देख भी पाएंगे। साथ ही मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से इसे कनेक्ट कराकर सारी वीडियोस वगैरह को भी आप प्रीव्यू कर पाए अपने फोन पर ही। तो कमाल का इस तरीके का कैमरा रहता है जो कि ब्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा। नंबर 4, अविक इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड। दोस्तों, वाटर सरफेस राइडिंग भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं आज की तारीख में। अगर वो किसी डेस्टिनेशन या फिर टूर वगैरह पर जाते हैं तो अपने साथ सर्फबोर्ड ले जाते हैं या फिर वहां पर हायर करते हैं जिससे कि वाटर सरफेस राइडिंग का वो मजा ले सके। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हो तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड होता है जो कि खास तौर पर वाटर सरफेस राइडिंग के लिए बनाया गया है। इस सर्फबोर्ड की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर की होती है जो कि काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही यहां पर आपको अलग अलग पावर सेटिंग भी दे रखी है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका राइडिंग टाइम सिंगल चार्ज पर लगभग 15 से लेकर 30 मिनट तक का होता है और इसका चार्जिंग टाइम लगभग 1.5 घंटे का रहता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बैटरी पैक्स को यूज करने के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप इसकी राइडिंग का मजा एक लंबे समय तक ले पाए। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि आपकी वाटर सरफेस राइडिंग को और भी ज्यादा खास बनाएगा और कम्फर्टेबल भी। नंबर 3, क्विंसी रोबोट आर्टिस्ट। दोस्तों, बच्चे ज्यादातर अपने खाली समय में ड्राइंग करना पसंद करते हैं जो कि उनके लिए एक बेहतरीन टाइम पास रहता है जिससे कि वो अपना ड्राइंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी होता रहता है। तो अगर उनकी इस मूवमेंट को आप खास बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस तरीके का लर्निंग रोबोट दे सकते हैं जो कि उनके खाली समय में भी उनकी स्किल को इम्प्रूव करने का काम करेगा। ये एक ऐसा लर्निंग रोबोट होता है जिसमें आगे की तरफ एक छोटा सा स्कैनर लगा रहता है और आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे जहां पर आपको अलग अलग डिजाइंस बनी रहेंगी। इस रोबोट के हाथों में पेन पकड़ाकर अगर आप इन कार्ड को स्कैन कराते हैं तो ये उस डिजाइन को बनाने का पूरा प्रोसेस आपको समझाएगा, साथ ही साथ अपने हाथ में पकड़े हुए पेन से ये आपको बनाकर भी दिखाएगा। यानी कि बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल रहेगा जिससे कि वो टाइम पास करते हुए अपनी स्किल को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके का लर्निंग रोबोट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है मेरे हिसाब से। नंबर 2, फायरफ्लाइज LED प्लेइंग कार्ड्स। दोस्तों, बहुत से लोग कार्ड से ट्रिक दिखाना जानते हैं जैसे कि हाथों में वो कार्ड्स को नचाकर अलग अलग करतब दिखाते रहते हैं जिससे कि उनका तो अच्छा खासा टाइम पास होता ही है, साथ ही वो दूसरों को भी अच्छी तरीके से इंटरटेन कर पाते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी स्किल जानते हैं और ऐसे थोड़ा सा नए अंदाज में करना चाहते हैं तो इस तरीके के कार्ड्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों, ये एक तरीके के ऐसे LED कार्ड्स होते हैं जिनमें अंदर की तरफ लाइटें लगी होती हैं और यहाँ पर आपको लगभग 4 कार्ड का सेट देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अलग अलग तरीके की ट्रिक्स दिखाकर लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। ये कार्ड्स देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेंगे जहां पर आपको ग्रीन और ब्लू कलर के सेट देखने को मिल जाएंगे जिन्हें कि आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से खरीद सकते हैं। नंबर 1, ड्रॉबो रोबोटिक ड्राइंग ट्यूटर। दोस्तों, ड्राइंग की स्किल बहुत रेयर होती है लेकिन हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट टाइम पास ड्राइंग करना ही होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो या फिर उनमें से एक होना चाहते हो यानी कि ड्राइंग सीखना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से रोबोटिक गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि व्हाइट बोर्ड पर अलग अलग काफी सारी डिजाइंस बना सकता है। बस आपको इसे अपने व्हाइट बोर्ड पर टांग देना होगा, साथ ही एक व्हाइट बोर्ड मार्कर इसके बीच में लगाने की जगह होती है जिसे लगाने के बाद आप अपने मोबाइल फोन से इसे कनेक्ट कराकर काफी सारे इनपुट्स दे सकते हैं जिस हिसाब से ये आपको ड्राइंग तैयार करके देगा। इसके ऐप में बहुत सारी प्री डिजाइन रहती हैं, आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी इसमें डिजाइन को अपलोड कर सकते हैं और बहुत सारी डिजाइन अगर आप चाहें तो इसे बनाकर व्हाइट बोर्ड पर उतार सकते हैं। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि बच्चों में ड्राइंग के प्रति लगाव और कहीं ना कहीं उनको ड्राइंग सिखाने में मददगार साबित होगा। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट कमेंट करके मेरे को जरूर से बताएगा। साथ ही इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन है ये भी बात मेरे को कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।